देहेस्तिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायाशु तादिशु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवश्च साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्याश दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितरा दो श्लोक जिसको श्रीमद् भागवत में गौकर्ण गीता कहा गया है। देहेस्ति मां सुरुधिरे, पिताजी ये शरीर जो है ना जिस पे मेरा 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 आपने लगा रखा, मेरा बेटा मेरी पत्नी, ये हड्डी मां सुरुधिर चरम आदि से बना है। पर हुआ क्या, जैसे आपका घर बनता है, घर बनाने में सबसे पहले ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, क्रेशर लगता है, रोड़ी आदि सब लगता है। फिर अब अगर उस घर को ऐसा ही छोड़ दोगे तो भद्दा दिखेगा, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है, एकदम चिकना बना दिया जाता है, उसके अंदर मिट्टी है क्या क्या है वो सब ढक जाता है प्लास्टर से। अब उसको केवल प्लास्टर करके भी छोड़ दोगे तो भी अच्छा नहीं दिखता, इसलिए फिर उस पर रंग रोगन लगाते, पेंटिंग करके उसको सुंदर बना देते हैं। वैसे शरीर भी भीतर से हड्डी मांस रुधिर चरम से भरा हुआ, पर ठाकुर जी ने सोचा ऐसा अगर शरीर छोड़ देंगे तो कौन उससे प्रेम करेगा, इसलिए उस पर त्वचा रूपी प्लास्टर चढ़ा दिए और फिर उस प्लास्टर पर अलग अलग रंग भर दिए, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को कैसा बना दिया। अब ये शरीर बाहर से इतना सुंदर लगने लगा और भीतर इसमें तो क्या है, देहेस्ति मांस रुधिर, रुधिर चर्म आदि भरा हुआ। इसलिए पिताजी आप सोचते हैं आपके जाने के बाद ये गोकर्ण को कौन संभालेगा, धुंधली को कौन संभालेगा। अरे हमारे जैसे लाखों दुनिया में आए चले गए, उनके बिना ना तो आज तक किसी का परिवार रुका ना दुनिया रुकी, दुनिया चलती आई है और चलती रहेगी। ये तो हम ही हैं जो समझते हैं कि हमारे बिना कुछ होना जाना नहीं, मैं मेरा मेरा करते करते। एक बूढ़ी अम्मा सर पर घास की गठरिया धर के जा रही है और चलते 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 थोड़ी अब वृद्ध है, थोड़ी थक गई है, शरीर भी थोड़ा काम नहीं कर रहा। तभी एक वहां से बैलगाड़ी वाला जा रहा, उसने मैया के पास में आके बैलगाड़ी रोकी और कही मैया तू थक जाएगी ऐसे पैदल चलते चलते, अच्छा मैं भी उधर ही साइड जा रहा हूँ, आ जा बैठ जा बैलगाड़ी में, तू बैठ जा। अम्मा खुश हो गई, चलो भैया लेके अपनी गठरिया बैठी, पर किया क्या, बोले बैलगाड़ी में बैठ तो गई पर अपनी गठरिया को अपनी खोपड़ी पे धर के बैठी। तो उस आदमी ने कहा अरे मैया तू ये सर पे क्यों धरी है, नीचे रख दे ना, बैलगाड़ी में अब तू बैठी गई है फिर भी उसको सर पे क्यों रखी है। बोले नहीं नहीं भैया तूने पहले से मेरा ही इतना वजन तूने कर दिया, अब मैं बेकार में अपना ये गठरी का वजन तेरी बैलगाड़ी पर नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं ऐसे ही चलूंगी। अब सुनने में क्या लगता, सुनने में लगता मैया शायद पागल थी, पर पागल नहीं थी, यही काम तो हम भी करते हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला कौन,
दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाँ। गाड़ी चलाने वाला वो, बोझा ढोने वाला वो, गंतव्य तक मंजिल तक पहुंचाने वाला वो, फिर भी अपने माथे पर बोझा रखे बैठे हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बीवी को कैसे संभालेंगे, घर कैसे बनाएंगे, पूरा बोझा सर पर रख के बैठे, जबकि वो आपका बोझा ढो रहा। जरा सा बुद्धि आए तो बोझा ऊपर डाल दे और कहे ठाकुर जी तेरी मर्जी, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तुझ तेरे ऊपर छोड़ दिया, अब तुझे जैसा संभालना है संभाल। कर्म करूंगा, कर्म नहीं करना ऐसा नहीं है, कर्म करना है लेकिन छोड़ना उसके ऊपर। तो ये जो मैं रूपी जो गठरी है इसको तार के नीचे रख दीजिए, कंधे भी हल्के हो जाएंगे और अपने गंतव्य तक भी बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे।